अस्सलामुअलैकुम। कराची में 28 शहरी कत्ल, शहर में कातिलों और दरिंदों का राज बरकरार, टारगेट किलर्स और डकैतों की कार्रवाइयां जारी। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची में साल 2024 के पहले 15 रोज में 28 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। शेर कायद में साल के पहले दिन फायरिंग से दो बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। 2 जनवरी को सियासी जमात के कारकुन और ताजिर समेत 3 अफराद जाबाग हुए। 3 जनवरी को पाक कॉलोनी से गोलियां लगी लाश मिली। 5 जनवरी को कोरंगी में घर के अंदर फायरिंग से माँ बेटी जान से गए। 8 जनवरी को फायरिंग से एक शख्स कत्ल हुआ। 9 जनवरी को फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर कत्ल और कार पर फायरिंग से कंपनी मैनेजर कत्ल हुआ। 10 जनवरी को गुलशन मेमार और सरजानी से 2 अफराद की गोलियां लगी लाशें मिली। 11 जनवरी को सऊदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जाबाक हुए। इतिहाद टाउन में फायरिंग से 2 सगे भाई जाबाक हो गए। डिफेंस फेज 8 में फायरिंग से अदनान नामी शख्स जाबाक हुआ।